चीफ जस्टिस डिसीजन दैट वॉज टेकन बाय इन द फेवर ऑफ द सिरोकी दैट डिसीजन वॉज चेंज माय डियर द एंड्रयू जैक्सन हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु नोन हु रेपुटेशन फॉर द फाइटिंग अगेंस्ट द इकोनॉमिक एंड द पोलिटिकल प्रिवलेज बट वेन इट केम टू बी इंडियंस he was different person he refused to honor the chief justice judgment and ordered the us army to evict the cherokee from their land and drive them to the great american desert of the 15,000 people that forced to go over the quarters died along their trials of tears 1832 संयुक्त राज्य अमेरिका कि चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है, एक विशिष्ट कम्युनिटी है और इसके सॉवरिन इलाके में, इसके जो स्वत्व अधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न भी हैं, सॉवरिन भी हैं। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन, जिनकी छवि, जिनकी रेपुटेशन आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले की थी, इन इंडियंस के मामले में वो पूरी तरीके से इनके अधिकारों के खिलाफ थे। वो इंडियंस के मामले में पूरी तरीके से उलट गए, अपनी छवि के विपरीत उन्होंने काम किया। उन्होंने जॉन मार्शल के डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया और सिरोकियों को अपनी जमीन से फोर्सफुली ग्रेट अमेरिकन डिजर्ट की तरफ ढकेलने के लिए, खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। अमेरिकी फौज ने जबरदस्ती फोर्सफुली नेटिव्स को ग्रेट अमेरिकन डिजर्ट में खदेड़ा, 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया। इस 50,000 में 1/4 इस पूरी यात्रा में मारे गए, ट्रायल्स ऑफ टियर के सफर में समाप्त हो गए। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीनें ले ली, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे कि चूंकि जो नेटिव्स हैं वो अपनी जमीनों का अधिकतम इस्तेमाल नहीं कर पाते, वे अपने जमीन को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, नहीं करना जानते, इसलिए मूल निवासियों की आलोचना करते थे, इसलिए उनको उनसे जमीन ले लेना अपने को वैलिड ठहराते थे। वो ये भी कहते थे कि मूल निवासी आलसी हैं, मूल निवासी अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहनना नहीं जानते, वे अपने खेतों का ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाते, बाजार हेतु उत्पादन के लिए वो सिद्धस्थ नहीं है, शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमें उनसे जो, हमने उनसे जो जमीन ली है वो हमारा जमीन लेना उचित है। कुल मिलाकर उनका यही कहना था कि जो नेटिव्स हैं वो मर खपने लायक ही हैं, उनको मर जाना ही अच्छा है। खेती की जमीन निकालने के लिए प्रेरीज साफ की जाती थी और प्रेरी साफ करने के दौरान प्रेरी घास के मैदानों में बाइसन नामक जो जंगली भैंसा था, बाइसन जिसे कहते हैं, उसको बड़ी संख्या में उन्हें मारा। और यहीं पे एक फ्रेंच मैन विजिटर्स ने एक स्टेटमेंट दिया कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदि मनुष्य भी लुप्त हो गए। इट इज वेरी स्ट्रेंज व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर, दिस इज आल्सो गिवन इन आवर बुक। कहता है दोज हु टुक द लैंड ऑक्युपाइड बाय द ट्राइब्स जस्टिफाइड सेइंग द नेटिव्स डिड नॉट डिजर्व टू ऑक्युपाई लैंड व्हिच दे डिड नॉट यूज टू द मैक्सिमम। दे वेंट ऑन द क्रिटिक्स देम फॉर being lazy
since they did not use their craft skill to produce good for the market, for not being interested in learning English or dressing correctly, which meant, like the Europeans, they deserve to die out, they argued. The prices were cleared, farmland and wild bison killed off, primitive man will disappear with the primitive animal, wrote a visiting Frenchman. The statement is very clear. What you want to say? कि भारत की अमेरिका में जो नेटिव्स थे उन नेटिव्स को बड़ी संख्या में समाप्त किया गया. आपके सामने चार्ट है. कमेंट ऑन दिस टू सेट्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा. नेटिव्स 0.6 मिलियन, स्पेनिश अमेरिकन 1800 7.5 मिलियन, वाइट 9 मिलियन, स्पेनिश 3.3 मिलियन, मिक्स यूरोपियन 0.1 मिलियन, स्पेनिश अमेरिकन 5.3 मिलियन, ब्लैक 1.9 मिलियन एंड स्पेनिश 0.8 मिलियन. टोटल अमाउंट अलग अलग की बात कर रहा है. नेटिव्स हैं 0.6, वाइट है 9. मिक्स यूरोपियन 0.1, ब्लैक है 1.9. 1820 में, 1800 में नेटिव्स की संख्या 7.5 मिलियन थी, जो 1820 में घट के 0.6 हो गई. वाइट 9 मिलियन थे, जो 1800 में वो 3.3 मिलियन से 9 मिलियन तक आ गए. मिक्स यूरोपियन 5.3 से 0.1 मिलियन, ब्लैक्स 0.8 मिलियन से 1.9 मिलियन. ये ब्लैक्स वही हैं जो स्लेव ट्रेड के लिए बाहर से बुलाए जाते थे. माय डियर, हैविंग सीन दिस चार्ट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेटिव्स डे बाय डे दैट वाज डिक्रीज्ड इन द ह्यूज अमाउंट. मीनवाइल द नेटिव्स वर पोस्ड वाज वेस्टवर्ड कि विल लैंड एल्सवर्ड. दिस इज perpetuity, but often moved again if any mineral, lead or gold or oil was found on their land. Many tribes were forced to share the land originally occupied by the one tribe, thus leading to the quarrels between them. They were locked off in a small area called reservation. Okay, I hope you are getting understand. What is the meaning of reservation? Suppose in their area, lead or minerals found, they were landlocked. They were locked off in a small area called reservation, which often was land with which they had no earlier connection. They did not give in without a fight. The US Army crossed the series of rebellions from 1895 to 1890. And in Canada, they were armed resolute by the Métis people, the native European, between 1869 and 1885. But after that, they gave up. My dear, this was the great war between tribals and the Europeans. In this war, result is against for the natives. कहते हैं मूल निवासी जो natives थे पश्चिम की ओर ढकेल दिए गए, स्थायी तौर पे अपनी जमीन दे दी गई थी, लेकिन अक्सर उन्हें उस जमीन से भी हटना पड़ता था, बेदखल होना पड़ता था जब उनकी जमीन के अंदर सीसा, सोना या तेल जैसे खनिज होने का पता चलता. प्राय कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली जमीन में ही साझा करने के लिए बाध्य किया जाता, जिससे उनके बीच झगड़े हो जाते थे. मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए, जिन्हें रिजर्वेशन कहा जाता था. यह प्राय ऐसी जमीन होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था. ऐसा नहीं है कि अपनी जमीन उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी. उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई लड़ी,
लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की फौज के सामने वो टिक ना सके। संयुक्त राज्य अमेरिका की फौज ने 1865 टू 1890 के बीच एक बड़े रिवोल्ट की पूरी श्रृंखला को डिप्रेस किया, दमन किया। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच मेटिसी और मेटिसो जो यूरोपीय मूल निवासी के वंशज थे ने सशस्त्र विद्रोह किया, लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने हार मान ली और फाइनली उनके इलाके अमेरिका में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो आउटसाइडर्स थे, उनके अधिकार में आ गए। अब इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज। गोल्ड रश, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिजर्वेशन में नेटिव्स को कैद कर दिया जाता था, लेकिन अगर ये मालूम चल जाए कि उनकी ज़मीन में लेड, ऑयल या गोल्ड जैसी कोई चीज़ मिनरल्स प्राप्त हो रही है, तो उनको उनकी ज़मीनों से भी हटा दिया जाता था। एक र्यूमर उठा 1840 के आसपास कि अमेरिका में खूब सोना है, कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, इससे बड़ी संख्या में लोगों का माइग्रेशन यूरोप से अमेरिका में हुआ। ये माइग्रेशन ही गोल्ड रश को जन्म दिया। ये तेजी से यूरोप से आकर अमेरिका में बसना ही गोल्ड रश कहलाया, जिसमें हजारों की संख्या में यूरोपियंस बहुत जल्दी धनी हो जाने की लालसा, धनी हो जाने की इच्छा अपने मन में समेटे हुए अमेरिका आकर बसने लगे, जिससे अमेरिका में, पूरे अमेरिका में रेल के ट्रैक बिछाए गए, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ। 1870 में अमेरिका में रेलवे का काम पूरा हुआ, 1885 में कनाडा में रेलवे का काम पूरा हुआ, और इस तरीके से धीरे धीरे पूरे अमेरिकी क्षेत्रों में विकास की दौड़ चल गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। एंड्रयू कार्नेगी का स्टेटमेंट, जब एंड्रयू कार्नेगी कहता है कि जो पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं और नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है, ये बात वो अमेरिका के लिए कहता है। देर वॉज ऑलवेज द होप दैट देर वॉज गोल्ड डस्ट, गोल्ड इन नॉर्थ अमेरिका। इन 1840 द ट्रेस इन गोल्ड वेयर फाउंड इन द यूएसए इन कैलिफोर्निया, दिस लेड टू गोल्ड रश विद थाउजेंड ऑफ ईगर यूरोपियंस हरीड टू अमेरिका इन द होप ऑफ मेकिंग अ क्विक फॉर्चून। दिस लेड टू द बिल्डिंग और रेलवे लाइन्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, फॉर विच थाउजेंड ऑफ चाइनीज वर्कर वर रिक्रूटेड। द यूएसए रेलवे वॉज कंप्लीटेड बाई 1817 एंड द कैनेडियन रेलवे दैट वॉज कंप्लीटेड इन 1885। द ओल्ड नेशन क्रीप एट ए स्नेल्स पेस, सेड एंड्रयू कार्नेगी, अ पुअर इमिग्रेंट फ्रॉम स्कॉटलैंड हु बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट मिलियनर्स इंडस्ट्रियलिस्ट इन द यूएसए। द रिपब्लिक थंडर्स ऑन एट द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस। वन रीजन वाई द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हैपेंड इन इंग्लैंड व्हेन इट डिड वाज बिकॉज स्मॉल पीजेंट्स वर लूजिंग देयर लैंड टू बिग फार्मर्स एंड मूविंग टू जॉब इन फैक्ट्रीज इन नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्रीज डेवलप फॉर वेरी डिफरेंट रीजन, टू मैन्युफैक्चर रेलवे इक्विपमेंट्स सो दैट रैपिड ट्रांसपोर्ट कुड लिंक डिस्टेंस प्लेस एंड द प्रोड्यूस मशीनरीज विच वुड मेक लार्ज स्केल इमिग्रेंट्स इजियर। इंडस्ट्रियल टाउन्स ग्रू एंड फैक्ट्रीज मल्टीपल बोथ इन यूएसए एंड कनाडा। इन 1860 द यूएसए फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड बोथ इन द यूएसए एंड कनाडा। इन 1860 द यूएसए हैड बीन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इन 1890 इट वॉज लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। माय डियर, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का एक खास समय में होने के पीछे का एक यह भी कारण था, जो छोटे किसान थे उन्होंने अपनी जमीन बड़े किसानों के हाथ में
बेच दी और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चले गए। लेकिन उत्तरी अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलग तरह के कारण थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका में अन्य कारणों की वजह से आया था, न कि ब्रिटिश एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की तरह। अमेरिका में रेलवे के साथ सामान बनाने के लिए फैक्ट्रियां स्थापित हुई, दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा जा सके, इसलिए रेलवे ट्रैक बिछाए गए। ऐसे मशीनरीज का प्रोडक्शन किया गया जो उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाएं। खेती को बड़े पैमानों पर स्थापित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा दोनों जगहों पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सिटी का डेवलपमेंट हुआ, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अपने स्टार्टिंग फेज में था, 1890 में दुनिया का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था। बड़े पैमाने पर खेती का विस्तार हुआ, बड़े बड़े इलाके साफ किए गए और खेतों के रूप में टुकड़े टुकड़े जो थे खेतों के रूप में जो टुकड़े टुकड़े थे उनको क्या किया गया, ये एक साथ इनको यूनाइट किया गया। 1890 तक आते आते जंगली भैंसे बाइसन पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए, बड़े इलाके साफ करके खेतों के रूप में विकसित किए गए। बाइसन का या तो शिकार किया गया या तो धीरे धीरे उनकी संख्या को ख़त्म कर दिया गया। मूल बासिंदे जो सदियों से इस ज़मीन पर रह आ रहे थे उन्हें भी या तो डिस्प्लेस कर दिया गया या तो उनकी हत्या कर दी गई। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जाता जा चुका था और अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा जो कई दशकों तक यूरोपीय सेटलर्स को पश्चिम की ओर खींचता हो। कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में कुछ उपनिवेश बसा रहा था, वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था, अब वो कंप्लीट पावर में आ चुका था। माय डियर, वन रीजन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैपेंड इन इंग्लैंड, दैट वाज द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, बट इन अमेरिका इट वाज नॉट। लार्ज स्केल ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो एक्सपेंडेड, वास्ट एरिया वर क्लियर्ड एंड डिवाइडेड अप इनटू फार्म्स। बाय 1890 द बाइसन हैड ऑलमोस्ट बीन द एक्टर माइंडेड, दस एंडिंग लाइफ ऑफ हंटिंग द नेटिव्स हैड फॉलोड द सेंचुरीज इन 1892। द यूएसए कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन वॉज कंप्लीट, द एरिया बिटवीन द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशन वॉज डिवाइडेड अप इन टू द सेटल्ड स्टेट्स, दे आर नो लॉन्गर रिमाइंड द फ्रंटियर दैट हैड पुल्ड यूरोपियन सेटलर्स वेस्ट फॉर मेनी डिकेड्स। विद इन अ फ्यू ईयर द यूएसए वाज सेटिंग अप इट्स टाउन कॉलोनीज इन हवाई एंड द फिलीपींस, इट हैड बिकेम एन इंपीरियल पावर। माय डियर, वो अमेरिका जो पहले किसी की कॉलोनी थी अब वो अमेरिका अपनी खुद कॉलोनी बना रहा था। डेवलपमेंट के एक लंबे फेज के बाद अमेरिका एक नए युग में प्रवेश कर चुका था। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, बातें करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर। हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास 11th हिस्ट्री, चैप्टर 10, थीम 10, डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द नेटिव्स एंड हाउ Native peoples lost their land. In the starting of this class, in the starting of this chapter, I was discussed the circumstances, situations, and the problem also, which was faced by the natives during 16th and 17th century to 18th century. I will also discuss that even the number of the natives day by day decreased, but the name of their metropolitan city, either America or Australia, it was
ऑन द नेम ऑफ द नेटिव्स, पारमत्ता, ओहियो, सीरा नेवादा, मिसिसिपी. दीज वर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, दीज आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल. नाउडे ऑल्सो द नेम वॉज इन एग्जिस्टेंस. हम लोगों ने पढ़ा था, वी हैड स्टडीड. टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द नेटिव पीपल लॉस्ट देयर लैंड. इन द यूएसए एज द सेटलमेंट्स एक्सपेंडेड द नेटिव्स वर induced or forced to move after signing treaties, selling their lands. The price paid were very low, and there were the instance when the Americans a term used to mean the European people of the USA cheated them by taking more land or the paying less than promised. Even high officials saw nothing wrong in depriving the native people of their land. This is seen by an episode in Georgia, a state in the USA. Official had argued that the Cherokee tribes was governed by the state law, but could not enjoy the right of citizens. This was despite the fact that of all the native people, the Cherokees were the one who had made the most effort to learn English and to understand the American way of life. Even so, they were not allowed the right of citizens. My dear, एकदम महत्वपूर्ण बात है, इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री, जमीन की जो बेच थी, बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के लिए मूल निवासियों को वहाँ से हटने के लिए या तो बाध्य कर दिया गया या तो उनको फोर्सली वहाँ से डिस्प्लेस किया गया, या तो समझौते पर जबरदस्ती दस्तखत करा करके उन्हें उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई. उन्हें जो पैसे भी दिए गए थे वो बहुत ही कम थे, उनकी कीमत बहुत कम दी गई थी. और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल, उदाहरण मिलते हैं कि किस तरीके से वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को पूरी तरीके से उनकी जमीन से डिस्प्लेस किया गया, हटाया गया. और धोखे से कम पैसे में ज्यादा जमीनें ले ली गई. अमेरिकी या अमेरिकी जो वर्ड है, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए ही प्रयुक्त किए जाते थे. ये लोग नेटिव्स के लैंड में चीटर थे, धोखेबाज थे, जो प्रायः उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते थे. सबसे विचित्र बात तो ये थी कि नेटिव्स की राइट की रक्षा के लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे वो लोग भी ये सब जानते हुए भी चुप थे. जो अधिकारी थे वो नेटिव्स की जमीनों को छीन लेना गलत नहीं मानते थे. जॉर्जिया का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है. जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक छोटा सा राज्य है. यहाँ के अधिकारियों की दलील थी कि सिरोकी कबीला राज्य के कानून से शासित तो होता है, राज्य के कानून के द्वारा चलता तो है, लेकिन वे नागरिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते. यहाँ पे ये बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि जो मूल निवासियों में से चिरोकी ही ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी सीखी और अमेरिकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश की थी, और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए. दिस वॉज द डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑफ ऑल द नेटिव पीपुल द चिरोकी वर द वन हु हैड मेड द मोस्ट एफर्ट टू लर्न इंग्लिश and to understand the American way of life. What happened with them? Even
so they were not allowed the rights of citizens. In 1832, an important judgment was announced by the U.S. Chief Justice John Marshall. He said that Cherokee were a distinct community occupying its own territory, in which the laws of Georgia had no place, and that they had sovereignty in certain matters. This judgment is in favor of the Cherokee or such type of local community. But what happened with them? When you will see the next line, the president of America, US President Andrew Jackson, had reputation for fighting against economic and political privilege. But